अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये फ्राई फ़िश बनाई है जिसके साथ हमने कुछ वेजिटेबल्स उनको बेक किया है। ये मैंने 1 kg फ़िश ली है जिसकी स्किन उतरी हुई है और इसमें कांटे भी नहीं हैं। सबसे पहले मैं इसमें 3 tablespoons सिरके का शामिल करूँगी। 3 tablespoons इसमें मैं लेमन जूस वो डालूँगी। 4 tablespoons ऑलिव ऑयल, 1 teaspoon लहसुन पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon अदरक का पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, आप चाहें तो अदरक और लहसुन फ्रेश भी पेस्ट डाल सकते हैं। 1/2 teaspoon इसमें मैं अजवाइन शामिल करूंगी, 1/2 teaspoon रेड चिली, 3 teaspoon इसमें मैं क्रश चिली के डालूंगी, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon नमक और 1 अंडा वो शामिल करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी और इसके बाद फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देखें, ये मैंने मसाला लगा दिया है। इसके अलावा ये मैंने 1/2 kilo आलू लिए हैं जिनको मैं इस तरह से बारीक काट लूँगी। साथ ही इसमें मैंने ये 300 ग्राम मैंने पपड़िका ली है, इसको इस तरह से मैं गोल काट लेती हूँ और इसके अंदर ये जो बीज हैं इन्हें मैं निकाल दूँगी। इसके अलावा मैंने ये 2 pepperoni ले ली हैं, इन्हें भी मैं इस साइज़ में काट लेती हूँ। इसके अलावा 300 ग्राम मैं इसमें ब्रोकली डालूंगी, ये देखें वो मैंने डाल दी है। अब इन सब्जियों को हम मसाला लगा लेते हैं। 2 teaspoon इसमें मैं ओरिगानो के शामिल करूंगी, 2 teaspoon क्रश चिली, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon हल्दी, हल्दी से इस सब्जियों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, 1 teaspoon इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है, 4 tablespoons इसमें ऑलिव ऑयल वो डाल देती हूँ, 1 teaspoon नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में निकाल लेते हैं। इन सब्जियों को पहले मैं 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे बेक करूँगी। ये देखें, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्राउन प्याज वो भी डाल देती हूँ और मैं इसे बेक कर लेती हूँ। ये मेरे पास 150 ग्राम सॉफ्ट ब्रेड क्रम्स हैं जिसके अंदर मैं 2 tablespoons कॉर्नफ्लोर के डालूंगी, 1 teaspoon इसमें मैं नमक का शामिल करूंगी। नमक थोड़ा एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने फिश में भी डाला है। और 1 teaspoon इसमें पापड़िका पाउडर वो डाल दूंगी और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ब्रेड क्रम्स को हमने मिक्स कर लिया है और ये जो फिश को हमने मसाला लगा कर रखा है इसे तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है और ये ब्रेड क्रम्स मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखें, एक पैन में मैं 1 cup ऑयल लूँगी और ये जो फ़िश हमने तैयार करके रखी है वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। आप ये फ़िश ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे कि बहुत ही टेस्टी फ़िश बनती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। फ़िश को जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी एक साइड जब ठीक से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसकी पका लेते हैं। ये देखिए, फ़िश पे कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें, वेजिटेबल्स को 15 मिनट हो गए हैं इनकी साइड चेंज करके।
ये मेरे पास मुज़रेला चीज़ है, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसे मज़ीद मैं 20 मिनट के लिए बेक करूँगी 200 डिग्री पे। ये देखें वेजिटेबल्स भी हमारे बेक हो गए हैं और मैं इनको भी डिश आउट करती हूँ। आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी डिश बनती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।